गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है एमपीएस सर्किट लॉ। आज हम सीखेंगे कि एमपीएस सर्किट लॉ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और उसके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, ए सॉलिड सिलेंडर कन्वायर ऑफ रेडियस आर कैरी करंट आई। तो क्या कह रहा है कि कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसका करंट आई है और उसका रेडियस आर है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बी आर लोकेटेड एट आर बाय टू एंड टू आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो एक्सिस से हमारा दूरी कितना है, आर बाय टू और टू आर। देखिए, हम जानते हैं बी डी एन मतलब कि मैग्नेटिक एलिमेंट किसी भी क्लोज लूप का क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट होता है। ओके, तो हमारा बी इंटू टू पाई आर बाय टू, आर बाय टू पे चाहे मैग्नेटिक फील्ड और म्यू टाइम्स ऑफ द करेंट। देखिए, जब रेडियस आर होगा तो उसका एरिया ए होगा, उसमें करंट आई होगा। जब रेडियस आर बाय टू होगा तो एरिया हमारा एक बाय चार होगा, तो हमारा करंट भी एक बाय चार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे करंट का मान आई बाय फोर। यहाँ देखिए, टू से हमारा टू कट गया तो नीचे आएगा, तो बी का मान कितना आएगा, म्यू नोड आई बाई फोर पाई आर। ओके, अब केस नंबर टू में जब रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा दूरी टू आर हो जाएगा। जब एक्स का मान हो गया टू आर, तब यहाँ क्या पुट करेंगे, बी टू पाई और यहाँ पर रेडियस का मान पुट करेंगे टू आर इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम्स ऑफ द करेंट। ओके, तो रेडियस आर होगा तो भी उसका करंट आई होगा, द रेडियस टू आर होगा तो उसके कारण भी करंट हमारा आई ही होगा, क्योंकि बाहर में तो करंट का मान थोड़ी बढ़ रहा है, अंदर में ना घटेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर। तो देखिए, शुरू का मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा दूरी आर बाई टू था, अब बाद का जब हमारा दूरी टू आर होगा, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का मान सेम आ रहा है, तो हमारा रेशियो वन इज टू वन, ऑप्शन नंबर वन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। ए सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस आर कैरीज करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड इज 5 माइक्रो टेस्ला एट ए पॉइंट बीच इज 2 आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आर बाय 3 ऑफ डिस्टेंस इनसाइड द सरफेस। तो क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और करंट आई है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू 5 माइक्रो टेस्ला है। दस का डिस्टेंस 2 आर है और जब डिस्टेंस आर बाय 3 होगा तब उसका कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। तो देखिए, हम क्या पुट करेंगे, बी टू पाई, हमारा दूरी कितना था, 2 आर था, अब उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई करेगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड शुरू का कितना आ गया था, म्यू नोड आई बाई फोर पाई आर। इसका मान हमारा कितना है, 5 माइक्रो टेस्ला। केस नंबर टू में क्या है, हमारा दूरी आर बाय 3 हो गया, यहाँ क्या क्या पुट करेंगे, बी टू पाई आर बाय 3 ओके इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ द करेंट। तो देखिए, जब रेडियस आर होगा तो हमारा एरिया ए होगा और उसके कारण करंट आई होगा। जब रेडियस हमारा 1/3 हो जाएगा तो उसके कारण हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 1/9, तो हमारा करंट भी उसमें आई बाई 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम करंट का मान पुट करेंगे आई बाई 9, 3×9, तो हमारा इसका मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 6 पाई आर। अब दोनों को भागा कर देंगे, दोनों को भागा कर देंगे तो हमारा मान कितना आएगा। तो देखिए, इसको बाद का मैग्नेटिक फील्ड को बी डैश मानते हैं। ओके, तो हमारा बी डैश बाई बी का मान कितना आ गया, देखिए बी डैश दो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 6, तो ये 6 नीचे होगा। अब बी, तो देखिए बी का उल्टा 4 होगा ऊपर में, बाकी सब कट जाएगा, क्योंकि इसको एलिमिनेट करने का भी तरीका होना चाहिए।
क्योंकि देखिए बी डैश और सिक्स उल्टा है, नीचे है, तो बी डैश सिक्स नीचे है, बाकी सब तो सेम है, तो बाकी सबको कट जाना है। तो बी नॉट सिक्स, तो बी यहाँ पे बी बी सॉरी यहाँ बी डैश लिखे, यहाँ पे सिक्स आएगा और यहाँ पे बी बी चार, तो बी चार डायरेक्टली करना सीखिए। तो हमारा इसका मान कितना आ गया 2/3, तो हमारा बी डैश का मान आ गया 2/3 बी। अब बी का मान तो हमको पता ही है 5 माइक्रो टेस्ला, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 10/3, ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या लिखा है हम ध्यान से पढ़ना है। ए हॉर्नो सिलेंडर वायर कैरीज ए करेंट आई, तो एक हॉर्नो सिलेंडर वायर है जिसमें करेंट आई जा रहा है, हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस आर एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 3r/2 अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो देखिए इस टाइप का कोई हॉर्नो सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर और 2r, ओके, तो हमको कितना डिस्टेंस पता है 3r/2, तो हम सेम चीज करेंगे बी 2π और रेडियस का मान कितना दिया हुआ है 3r/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। अब करेंट का मान देखना है, तो देखिए इतना में हमारा करेंट का मान कितना था आई था, ये दो है हमारा, इसमें करंट आई है, मतलब हमारा रेडियस आर 3r/2 होगा, मतलब हमारा दूरी 1 sec 3r/2 होगा, तो उसमें करंट कितना होगा, ओके। तो देखिए उसको निकालने का तरीका सीखिए, तो हम आप पहले निकालने करंट डेंसिटी निकालेंगे, तो करंट डेंसिटी कितना आ गया इसमें हमारा आई डिवाइड बाई पाई 2r² माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आ गया करेंट पर यूनिट एरिया। अब बात कर कितना आएगा पाई 3r/2 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा दूरी तो होगा देखिए 3r/2 होगा, तो हमारा दूरी सिर्फ इतना ही ना होगा जी, अब बाकी अंदर में तो करेंट तो कुछ है ही नहीं है, मतलब अंदर में नहीं है तो अंदर में एरिया घटा देंगे तो हमारा छोटा सा एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस एरिया में से यह जो पूरा वर्कआउट एरिया घटाएंगे तो हमारा छोटा सा एरिया बाहर का आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा करंट का मान इतना आ गया। इसको सॉल्व करिए तो नीचे कितना होगा 4 में से 1 गया 3, ऊपर में आई था और ऊपर में क्या होगा 3r/2, तो 9/4 - 1, तो 9/4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5/4, तो ऊपर में आ गया हमारा आंसर 5/4, तो हमारा इसका मान कितना आ गया 5i/12, यहाँ पे पुट कर दीजिए 5i/12 आपका करंट का मान आ गया। अब इसको सॉल्व करिए 2 से हमारा 2 कट गया, ओके, और 3 नीचे जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो हमारा मैट्रिक फिन का मान कितना होने वाला है नीचे 12 t/36, ऊपर में 5, तो नीचे कितना होगा 36 πr और ऊपर में 5, ऊपर में 5 और नीचे में 36 πr, ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको ध्यान से पढ़िए। ए लॉन्ग स्ट्रेट एंड सॉलिड मेटल वायर ऑफ रेडियस 2 mm कैरी द करेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 mm फ्रॉम इट्स एक्सिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 1 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, ओके। तो देखिए इसमें डाटा दे दिया है, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था 2 mm 1 mm नहीं कहा था, उसमें कहा था कि आर और 2r हो गया, यहाँ पे देखिए रेडियस हमारा आर है बस 2 mm है और उसको बाद में जो है दूरी कितना दूरी पूछ रहा है 1 mm पे पूछ रहा है, सेम बात है यहाँ पे, जब हमारा रेडियस हमारा आधा हो गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास क्या है सॉलिड सिलेंडर है, ओके। तो इसमें क्या आप लिखेंगे हम बी
पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है ना। तो ये हमारा बी का मान आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो हमारा रेडियस 2 mm था, अब रेडियस को 1 mm कर दिया, मतलब कि रेडियस को आधा कर दिया। दूरी को जब आधा कर दिया तो यहाँ क्या पुट करेंगे, बी 2 पाई आर बाई 2 म्यू नॉट, और यहाँ पे करंट का मान कितना होगा 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो हमारा मैट्रिक्स फिर बात का कितना आ गया, बी डैश म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो मतलब कि वो आधा हो गया। यहाँ पे मैट्रिक्स फिर का मान कितना लिखेंगे, बी बाई 2। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए कॉन्स्टेंट करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वायर। ओके तो पंडित क्या कह रहा है, और ये लिख दिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 mm है। ओके और उसकी करेंट डेंसिटी दिया हुआ है 100 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। ओके देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर एंड 4 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। क्या कह रहा है, 2 mm और 4 mm। ओके तो 2 mm का मतलब क्या हुआ, 3 से कम है, तो मतलब कि अंदर की बात कह रहा है, और 4 mm कह रहा है मतलब क्या हुआ, 3 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा सिलेंडर के बाहर पूछ रहा है। ओके ये दिमाग में आ गया, 2 ऑप्शन, 2 होता है 3 से कम होता है, 4 होता है 3 से ज़्यादा होता है, तो पूछ रहा है 2 का पूछ रहा है मतलब कि हमारा सिलेंडर के अंदर पूछेगा, और 4 का पूछ रहा है मतलब कि सिलेंडर का बाहर पूछेगा। अब देखिए हम अपना एमपीएस सर्किट नोट लगाते हैं, तो पढ़ने 2 mm का निकालते हैं, बी 2 पाई, और हमारा दूरी कितना पूछ रहा है, 2 mm पे, तो 2 × 10⁻³ - 3, ये हमारा दूरी हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट। ओके तो हमारा करंट का मान क्या होगा, तो देखिए जब हमारा 3 mm था, सॉरी यहाँ पे करंट डेंसिटी डायरेक्टली दिया ही है, तो हम क्या कर देंगे, सीधे उसको गुणा कर देंगे, तो हमारा करंट कितना होगा, करंट डेंसिटी मतलब कि 100 एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर इंटू पाई, यहाँ पे रेडियस का मान क्या लेंगे, 2 mm मिलेंगे, तो 2 × 10⁻³ - 3 का स्क्वायर। यही बात यहाँ पे पुट कर दें, 100 × π × 2 × 10⁻³ - 3 का स्क्वायर। देखिए 2 × 10⁻³ और 2 × 10⁻³, ये पूरा पूरा कट गया हमारा। ओके अब यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट का मान क्या पुट कर सकते हैं, 4π × 10⁻⁷, और देखिए 1 2 से 1 2 यार और कटेगा, तो हमारा मैट्रिक्स फील्ड का मान आ गया 4π × 10⁻⁷ × 100 × 10⁻³ - 3, और 1 पाई से 1 पाई यहाँ पे कट रहा है। ओके तो पाई पाई भी कट गया है। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, 10⁻⁶, तो हमारा मैट्रिक्स फील्ड का मान कितना आ गया, 4π × 10⁻⁸। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2 mm क्या होगा, 4π × 10⁻⁷। अब पूछ क्या क्या पूछ रहा है, 3 mm का पूछ रहा है। देखिए 3 mm का क्या होगा, मैट्रिक बी इंटू 2 पाई, 3 mm का क्या पुट करेंगे, 3 × 10⁻³ - 3, सॉरी 4 mm का पूछ रहे ना, 4 × 10⁻³ - 3, दूरी हमारा 4 mm है, इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट, तो करेंट तो होगा, अगर रेडियस 3 mm होगा तो 3 mm के बाहर तो करेंट नहीं होने वाला है, तो हमारा करेंट का डेंसिटी क्या होगा, करेंट का मान
करंट डेंसिटी 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंटू पाई। और यहाँ पे आर का मान कितना पुट करना है, 3 पुट करना है, 3 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर। यहाँ पुट करिए 100 इंटू पाई 3 इंटू 10 पे पावर -3 का स्क्वायर। ओके देखिए अब इसमें क्या क्या कटने वाला, पाई से तो पाई कट जाएगा सीधे, इसको काट दीजिए। अब म्यू नॉट का मान पुट कर दीजिए 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 इंटू 100, ये कितना हो गया 3×9 इंटू 10 पे पावर -6। यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 इंटू 10 पे पावर -3 अब बी इंटू 2। देखिए 10 पे पावर -3 यहाँ पे काट यहाँ पे 10 पे पावर -3 आएगा, और ये काटेगा तो यहाँ पे आपको फटाफट 10 पे पावर -1 आने वाला है। और कुछ कटने वाला है, ये हमारा 4 से हमारा 4 कटेगा। ओके और तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 9 पाई बाई 2 इंटू 10 पे पावर -8, ये हमारा मैट्रिक पिंड आ गया। तो 9 पाई बाई 2 इंटू 10 पे पावर -8, ये ऑप्शन जिसमें आ गया वो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके थैंक यू।